बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी रसगुल्ला की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रसगुल्ला की रेसिपी मैं सूजी से तैयार करूँगी और ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। जिस तरह से आप बेकरी से लेकर खाते हैं, सेम टू सेम वैसा ही इसका टेस्ट होगा और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। तो आपने मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। इसी के साथ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी लिया है, जिसमें मैं ऐड कर दूँगी चीनी, 2 गिलास पानी के, और इसमें जाएंगे 2 गिलास चीनी के। ये ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से पका लूँगी और इसकी मैं चाशनी तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसमें हरी इलायची ऐड कर दी है, तकरीबन 4 से 5 अदद। वो ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से पका लूँगी। इसको आपने एक तार नहीं बनाना, एक तार से आपने इसे पतला तैयार करना है। तो यहाँ पर चाशनी तैयार हो चुकी है और उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध लिया है। अब मैंने यहाँ पर 4 कप दूध के लिए हैं और इसको मैं अच्छे तरीके से गर्म होने तक पका लूँगी। उसके बाद मैं इसमें 2 कप सूजी के ऐड कर दूँगी और इसको आपने ऐड भी करते जाना है, साथ साथ आपने चम्मच भी हिलाते रहना है। तो सूजी आपने बारीक दानों वाली इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर मैं दूध इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि सूजी जल्दी से ही दूध को जज्ब करने लग जाती है। उसके बाद मैं इसे अच्छे तरीके से पका लूँगी। यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, इसकी बबल्स बनना शुरू हो गई हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी देसी घी, आप कोई सा भी घी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से पका लिया था और अब आप देख सकते हैं इसकी कुछ इस तरह से कंडीशन हो जाएगी। तो अब मैंने इसे बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आपने इसे इस तरह से मसल मसल कर गूंद लेना है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मिल्क पाउडर, एक छोटी प्याली मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर इसमें ऐड कर दी है। और उसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद मैं इसकी इस तरह से इसको शेप दे दूँगी। तो ये देखें, इस तरह से आप गोल शेप भी दे सकते हैं और आप ओवल शेप भी दे सकते हैं, जिस तरह से आपको गुलाब जामुन पसंद है। उसके बाद मैं इसे चाशनी में ऐड कर दूंगी और इसी में ही मैं इसे पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको मैं अच्छी तरीके से 15 मिनट तक पका लूंगी। तो यहाँ पर मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और ये तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इन रसगुल्लों को बाहर निकाल लूँगी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से तैयार हुए हैं। तो अब मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर इसे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारे रसगुल्ला की रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये देखें, बहुत ही टेस्टी, जिस तरह से आप बेकरी से लेते हैं सेम टू सेम वैसे ही हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आप मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी ये रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप पहली मरतबा बना रहे हैं तब भी आपकी रेसिपी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।